नमस्ते, ये वीडियो कॉम्पिटिशन्स के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कराना शुरू कर चुके हैं। जब ये वीडियो बन रहा है तब तक हम लोग 3 कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं कि कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग कितनी फीस है, बच्चों के लिए डेमो के लिए क्या कर रखा है आपने, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक बच्चा कैसे एग्जाम देगा, एक बच्चा कितनी बार एग्जाम दे सकता है, हम लोग सेंटर चला रहे हैं तो हमें कोई कुछ बेनिफिट है क्या कंपटीशन से, या मान लो एक बच्चा ऐसा है जो एक ही कंपटीशन 2 बार देना चाहे तो फीस क्या 2 बार देगा या कुछ में डिस्काउंट है, सर बेस्ट ट्रेनर को अवार्ड कैसे मिलेगा। 4-5-7 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सर क्या वेबसाइट कुछ प्रैक्टिस के लिए वीडियो मिलेंगे, या सर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं पहले वीडियो। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें आप और आपके सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटरनेशनल कंपटीशन शुरू क्यों करना पड़ा, ये बहुत छोटा बता देता हूँ कि हमारे पास काफी कॉल आते थे, सर XYZ लोगों के फोन आ रहे हैं, वो 1000 रुपये मांग रहे हैं, कोई 1500 मांग रहे हैं, कोई 800 मांग रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए। सो सर आप शुरू करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे तो हमको कंपटीशन में बैठा नहीं है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है। तो हम लोगों ने वेबसाइट बनाई और सिर्फ 400 रुपये में इंटरनेशनल कंपटीशन कराते हैं, उसमें भी 100 रुपये आपका सेंटर है तो आपके होते हैं पर स्टूडेंट, 300 रुपये हमारे को मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है एकदम से? कैसे एनरोल कराना है तो बहुत ईजी है। जैसे मान लो आपके पास 2 बच्चे, आप उनसे 800 रुपये लीजिए, 200 रुपये आप रखेंगे, 600 मुझे भेजेंगे, व्हाट्सएप पे सारा आप डिटेल भेजेंगे, बच्चों का जो 600 रुपये भेजेंगे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, बच्चों के नाम भेजेंगे, उसी वक्त या थोड़ी देर में आपको 2 बच्चे, मान लो 2 बच्चे तो 2 बच्चों के यूजर नेम और पासवर्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि सर यूजर नेम और पासवर्ड बच्चा कितनी बार काम में ले सकता है, तो एक ही बार काम आएगा। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन रहता है सर, ये लैपटॉप पे भी कंपटीशन बच्चे दे सकते हैं कि मोबाइल पे दे सकते हैं, दोनों पे दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन था सर, बच्चों को हम कैसे पता पड़े कि ये बच्चा हमारा कहाँ पे एग्जाम दे, मतलब किस लेवल में है ये, कौन सा वाला कौन, उसमें आप देखेंगे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जूनियर लेवल और सीनियर लेवल। आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो 2 बटन आते हैं, जूनियर लेवल सीनियर लेवल। तो क्वेश्चन आपसे पता किससे पड़े कि हमारा बच्चा जूनियर के लिए सही है या सीनियर के लिए। सबसे अच्छा तो ये है कि बच्चों को पहले आप डेमो दिला के देख लें, फिर भी बता देता हूँ जूनियर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जूनियर लेवल में सभी क्वेश्चन वो आएंगे जिनमें फॉर्मूला नहीं लगता है, मतलब बहुत ईजी आते हैं। कई बच्चे होते हैं जो अभी का सीखते हैं, 1-2 महीने हुआ है मान लो, और उनको एग्जाम देना तो ज्यादा फॉर्मूले उनको समझ में नहीं आते, तो उनको जूनियर में दिलाएं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, मान लो आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारी 0 लेवल की बुक है, यदि बच्चे ने वो कर रखी है तो जूनियर लेवल में एग्जाम दे सकता है। यदि किसी बच्चे ने लेवल 1 की बुक भी कर रखी है लेकिन 2 कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी उसको आप चाहें तो सीनियर में दिलाएं, चाहें तो जूनियर में दिलाएं। यहां तक क्लियर है? तो सीनियर में कौन सा बच्चा आएगा, जिस बच्चे ने लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है उसके लिए सीनियर बहुत ईजी है, अच्छा है, लेवल 2, 3, 4, 5 तो सीनियर में चला जाएगा। या जिसने 1 कंप्लीट कर लिया लेकिन अब कंप्लीट सेकंड लेवल में आ गया, सेकंड भी उसने आधा समथिंग कर लिया है तो वो सीनियर के लिए ठीक है। वैसे सजेशन में रहता है कि जिसने 2 कंप्लीट नहीं किया है उनको उसके पहले बार बच्चों को दिलाएं जूनियर में, और जिन्होंने 2 कंप्लीट कर लिया 2, 3, 4 उसको दिलाएं आप सीनियर में। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो घबराओ मत, वेबसाइट को बिल्कुल स्क्रॉल करना, लास्ट में डेमो के 2 बटन लगे हुए, बच्चों को डेमो दिलाएं। एक क्वेश्चन और है सर, डेमो कितनी बार दिला सकते हैं बच्चे को, और क्या डेमो के पैसे लगेंगे? ये तो डेमो कोई पैसे नहीं, बच्चे को आप डेमो कई बार दिला सकते हैं, जितना आप चला सकते हैं, डेमो फ्री है। पहले क्या डेमो का बटन था नहीं, उसी से एग्जाम होता था, उसी से डेमो। तो अब हमने वेबसाइट में डेमो का बटन बिल्कुल लास्ट में, ये ध्यान रखना, ऊपर 2 बटन मिलेंगे वो डेमो के नहीं है, वेबसाइट को स्क्रॉल कर लें जैसा फेसबुक चलाते नीचे आते ना, बिल्कुल लास्ट में 2 बटन मिलेंगे
जूनियर लिखा है, सीनियर लिखा है, बच्चों को आप कई बार दिलाएं, ठीक है। एक क्वेश्चन और सर, क्या बच्चों को इस वेबसाइट का लिंक घर के लिए दे सकते हैं ताकि बच्चे घर प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप बिल्कुल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस वेबसाइट पर कहीं भी मेरा नंबर नहीं है। यदि कभी नंबर आया भी तो एक दूसरी कंपनी हमने रजिस्टर्ड कराई है, उसका नंबर आएगा तो उस पर कोई जनरली हम रिस्पॉन्स देते नहीं है, ठीक है। पहली बार तो नंबर हम देते नहीं है वेबसाइट पर, फिर भी कभी कोई ऐसा लगाना पड़ा स्टिकर जहाँ नंबर शो हो रहे हैं तो ये नंबर नहीं जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चों को जरूर घर के लिए दें। और एक क्वेश्चन अभी और था, किसी ने पूछा कि सर बच्चों को प्रैक्टिस भी करानी है थोड़े क्वेश्चंस का, तो अब वेबसाइट में हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए वीडियो डाले जाएंगे। एक क्वेश्चन और था कि सर जैसे बच्चे हमारे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये पेपर तो कई बार उनके लिए ईजी हो सकता है, तो हो सकता है दो चार महीने बाद इसमें हम लोग जूनियर लेवल, सीनियर लेवल एंड एडवांस लेवल भी एक बटन लगा के चालू कर, तीन तरह के एग्जाम हो जाएं, लेकिन अभी तो दो ही चल रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो को तीन चार महीने बाद देखेंगे आप, तो आपको हो सकता है वेबसाइट में तीन तरह के बटन नजर आए। अब एडवांस लेवल का क्या प्लान है? एक्चुअली कई क्वेश्चन अभी जो जूनियर सीनियर लेवल में तो डबल डिजिट ही आती है, एडवांस में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ही आएगा, लेकिन 125 - 87 + 385 ऐसे क्वेश्चन एडवांस लेवल में डाले जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन के ही रहेंगे, क्योंकि इस कंपटीशन में जो बच्चे हमारे यहाँ से जुड़े हैं, जो ट्रेनर जुड़े हैं हम लोगों से, उनके स्टूडेंट तो बैठते ही हैं। ऐसा भी कभी कभी देखा गया कि अदर अकेडमी के स्टूडेंट भी बैठते हैं, इंडिया के बाहर से भी बच्चे बैठते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक चीज और आती है सर, बच्चों का ये एग्जाम कब होता है? बहुत ईजी है, हर महीने की 1 to 7 कभी भी दे सकते हैं। हाँ, यानी 1 to 7 1 से 7 तारीख के बीच में कभी भी दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन एक चीज का ध्यान रखें आप, जहां तक हो सके कि बच्चे को अपने सेंटर पर बुला के ही एग्जाम दिलाएं, क्योंकि कई बार ऐसा भी सुनने में आता है बच्चे चीटिंग कर सकते हैं घर पे, सही है ना। और हो सके तो बच्चों को आप छोटा सा वीडियो बना लें 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, इससे क्या दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी लगना चाहिए भाई यहाँ पे नीट एंड क्लीन है, कोई चीटिंग वाला काम नहीं। कोशिश करें सिर्फ इमरजेंसी केस में ही आप अलाउ करें बच्चों घर पर देने के लिए। वो इमरजेंसी केस क्या है? मान लो आप ऑनलाइन ट्रेनर हैं तो आप क्या करें, बच्चों घर बुलाएं? पॉसिबल नहीं है ना, तो उस कंडीशन में हो सकता है। एकदम क्लियर है? उसको छोटे मोटे क्वेश्चन और हैं, जैसे कि जो अच्छी चीज है क्वेश्चन तो क्या है, आप बच्चे को डेमो दिलाते हैं तो यहाँ पे एक बटन को क्लिक कर, जब एग्जाम खत्म होगा तो वहां पे लिखा था डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट को, इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। एक सजेशन मेरी ओर से है कि यदि आप बच्चों का हमारे से जुड़े हैं, बच्चों का आपने एग्जाम हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन कराया है और हमारे यहाँ से आपको शील्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो प्लीज आप बच्चों को अपने सेंटर पर बुला के अपने हाथ से शील्ड सर्टिफिकेट दें या कोई गेस्ट बुला लें, और प्लीज हमको 15 सेकंड का वीडियो जरूर बना के वीडियो भेजें। उसमें वीडियो में आप खुद बोलें कि मैं अपना नाम बताएं, इस सेंटर से हूं, अपने सिटी का नाम बताएं, 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड के बच्चों के साथ, या बच्चों को इंट्रोडक्शन भी करा सकते हैं, इस बच्चे ने भाग लिया था, इसकी सेकेंड रैंक आई है, 10th रैंक आई है, चाहे तो 25-30 सेकंड का वो वीडियो हमको भेजें। उन वीडियो को हम इकट्ठा करके एक बड़ा वीडियो बना के हम वेबसाइट पर लगा देंगे, इससे क्या कभी बच्चे वेबसाइट पर डेमो देने जाते हैं, हो सकता है कोई अपनी वीडियो देखें और उनको पता पड़े हमारे अलावा और किन किन शहरों से बच्चे कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, और अट्रैक्टिव हो जाएगा सब सिस्टम। ये मेरे मन में प्लान है। आप फोटो भेजें अपने 25 से 30 सेकंड की, छोटा वीडियो बना के भेजें, वीडियो में बताएं कि मेरा नाम ये है, मैं सिटी से हूँ, इन बच्चों ने भाग लिया, एक दो बच्चों के बारे में बता दिए, 1st रैंक आया, 2nd रैंक आया, 5th रैंक आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और था सर, हमको ना बेस्ट ट्रेनर को अवार्ड चाहिए। अब सबको देना तो बहुत मुश्किल है, उसकी इमेज ही खराब हो जाएगी। तो हम लोगों ने कहा जिस सेंटर से पूरे साल में 30 स्टूडेंट भाग कंपटीशन में आते हैं तो वो टीचर को बेस्ट ट्रेनर का सर्टिफिकेट देंगे। बीच में प्रेशर था, नहीं सर 30 तो पता नहीं, 25 बच्चों पर कर दो, चलो 25 पर कर दे, इसके नीचे नहीं करेंगे भाई, है ना, नहीं तो बेस्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बराबर समझ में आ रहा होगा, फिर भी जाते जाते बता देता हूँ कि यूजर नेम पासवर्ड। हाँ, एक क्वेश्चन और था कि जैसे बच्चे ने कंपटीशन में बैठा 1 तारीख को, उसके आए 99%,
बच्चा इसी एग्जाम को दोबारा देना चाहता है, क्योंकि अभी 5-6 दिन बचे हैं ना, तो सर क्या पूरी फीस दोबारा बच्चों से लें, क्या करें, या कुछ डिस्काउंट आपको दे दो भाई, एक ही बच्चा है वो सेम एग्जाम दे रहा है। बिल्कुल डिस्काउंट दे सकते हैं। देखो ऐसा केस है, 2 केस ऐसे हो चुके हैं महाराष्ट्र के, कुछ बच्चे थे जो रिपीट होके बैठे थे, 98% है बच्चों को लगता है एक बार ट्राई कर लूं दोबारा से, तो उस कंडीशन में जैसे 200 रुपये फीस आप रख लें, ये सेम एग्जाम वापस समझ लिया, ऐसा नहीं अगले महीने है, नहीं मतलब 3 तारीख को बच्चा बैठा है उसको लगता है दोबारा इसी एग्जाम को जो 7 को खत्म हो रहा है ना, तो उस पर 200 रुपये फीस ले सकते हैं डिस्काउंट दे, उसको डिस्काउंट समझ लें 150 रुपये आप हमको ट्रांसफर करेंगे उस वक्त, और 50 रुपये फिर भी आपके पास बच जाते हैं। रियल फीस 400 रुपये लेनी होती है, उसमें 100 रुपये आपके होते हैं, 300 हमें भेजना होता है, और जब बच्चा मान लो सारे बच्चे नहीं होते, कोई रेयर टू रेयर होता है, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत कम बच्चों में होता है, लेकिन आप किसी बच्चों को फोर्स नहीं करें बेटा दोबारा बैठ जा, इससे तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है या पेरेंट्स बोलता है क्या दोबारा बिठाएं बच्चे को, तो उसको बोल दीजिए ठीक है अब आप ये सेम एग्जाम दिला रहे हो तो 200 रुपये में हो जाएगा, लेकिन पेरेंट्स को साफ बोलना ये ऐसा नहीं कि आप 2-4 बार एग्जाम दिलाओ अगले महीने बताओ डिस्काउंट मांग लोगे, डिस्काउंट नहीं चलता है, लेकिन हाँ सेम एग्जाम में पॉसिबल है। तो मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब मैंने कवर किए हैं, जरा भी कोई डाउट है तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देख लें, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने मेरी ओर से पूरी कोशिश की है कि एक इंटरनेशनल एग्जाम कम पैसे में कराया जा सके, और हाँ एक जाते जाते बच्चे कॉम्पिटिशन में साल में कितनी बार बैठ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आप बच्चे को कितनी बार ही बिठा लो हर बार फीस देनी पड़ेगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हर महीने बैठना चाहते हैं, कई बच्चे होते हैं जो हर 2 महीने बाद बैठना चाहते हैं, कई ऐसे साल में 2 बार केवल, सब 6-6 महीने बाद, तो उसको फीस हर बार देनी है। तो ऐसा नहीं कि साल में एक बार, हाँ हमारे यहाँ हर महीने होता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर में बच्चे भी तो हर महीने नए नए आते रहते हैं, तो सही है, और कोई बच्चा पुराना दोबारा देना चाहता है तो दोबारा फीस देनी पड़ेगी, लेकिन तब डिस्काउंट नहीं होगा। डिस्काउंट का मतलब जमाने जान गए ना, वो सेम एग्जाम उसमें कोई रिपीट कर रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं अगले महीने देना है सब डिस्काउंट दे दो, वो नहीं है, ठीक है। तो बच्चों को आप, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साल में 3-4 बार देना चाहते हैं, तो ज्यादा फीस है नहीं, आप इधर बाहर बता करेंगे तो आपको लगेगा ये क्या बाहर तो 1000 रुपए 800 1500 ऐसी सी खबरें हैं, 2000 भी लग गए लोगों के। तो मुझे लगता है मैंने सब बातें क्लियर कर दी हैं, और फिर भी कोई दिक्कत है प्लीज मुझे बताइए, लेकिन मुझे उम्मीद है छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, बड़ी दिक्कतें मेरे ख्याल से अब रही नहीं होंगी, फिर भी आपके सजेशन हमेशा वेलकम है, और आप बच्चों को कंपटीशन दिलाएं, और छोटे छोटे वीडियो आप मुझे भेजें, ताकि वेबसाइट में वीडियो का सेक्शन बना रहा हूँ, प्लीज उस पर हम लोग थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव वेबसाइट बना लेंगे, और उसमें आप कुछ नहीं करना है, अपना वीडियो में आप बताएं मेरा नाम ये है, मेरी एकेडमी का नाम ये है, मैं सिटी से हूँ, ये बच्चों ने भाग लिया था, ये बच्चे, ये 1-2 बच्चों के बारे में बता दो। थैंक यू।